आज हम जिस देश के बारे में बताएंगे उसका नाम है कुवैत। तो माय डियर फ्रेंड, बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, क्योंकि लास्ट वाले फैक्ट्स की तो बात ही अलग है। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ना, और साथ में बगल वाली घंटी को भी दबा देना। कुवैत का पूरा नाम दवालात अल कुवैत है। ये दुनिया का सबसे अमीर देश माना जाता है, और कहा जाता है कि इस देश में लगभग बहुत अमीर लोग रहते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा और बढ़िया देश है जिसका लगभग सभी लोग जानते हैं, क्योंकि ये देश अपनी अमीरी के कारण बहुत प्रसिद्ध है। शायद ऐसा और कोई देश नहीं होगा जो इतना अमीर होगा। हम बात कर रहे हैं कुवैत देश के बारे में। कुवैत दुनिया का सबसे अमीर देश है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां रहती हैं। कुवैत की आबादी लगभग 45 लाख है। इनमें 28 से 30% लोग मूल रूप से कुवैत के ही निवासी हैं, जबकि बाकी के 70% लोग दुनिया के अलग अलग देशों से, जैसे भारत, पाकिस्तान और दुनिया के अलग अलग देशों से है। यहाँ का ऑफिशियल लीडर इस्लाम है, जिसका पालन सभी कुवैत के मूल निवासी करते हैं, जबकि कुवैत से बाहर से आए हुए लोगों में 64.1% लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं, जबकि 9.5% लोग में हिंदू भौतिक लोग आते हैं। कुवैत के पब्लिक प्लेस में रमजान के महीने में दिन के समय खाना पीना, लाउड म्यूजिक बजाना, डांस करना आदि प्रतिबंधित है। कुवैत में 1938 में तेल की खोज एक ब्रिटिश कंपनी ने की, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तेल का एयरपोर्ट काफी देर से शुरू हुआ। कुवैत में दुनिया का सबसे बड़ा 5वां वर्ल्ड रिजर्व बैंक है। ये देश प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा अमीर देश है। आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन कुवैत का 95% पैसा तेल की वजह से ही आता है। 2006 रिमोट कंट्रोल के द्वारा उनको चलाते हुए रेस की शुरुआत कुवैत में ही की गई। 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला करके कब्जा कर लिया था, और कब्जा करने के बाद इराक ने इसका नाम इराक का 19वां प्रांत रख दिया। ये देश दुनिया के सबसे ज्यादा गर्म देशों में से एक है। यहाँ पर पूरे साल में एवरेज 2 दिन ही बारिश होती है। गर्मी की वजह से कुवैत ने अपना नेशनल डे 19 जून से हटाकर 25 फरवरी को मनाना शुरू कर दिया। कुवैत में एक भी ट्रेन नहीं चलती, लेकिन इंसानों और कार की रेस में ये देश दुनिया में 6ठे नंबर पर आता है। कुवैत में एक भी नदी और झील नहीं है, इसलिए इनको पीने का पानी समुद्र के पानी को फिल्टर करके ही बनाना पड़ता है। ये देश समतल रेगिस्तान के ऊपर बसा हुआ है, फिर भी यहाँ की जमीन में अरबों बैरल तेल दबा हुआ है। कुवैत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है। इसके अलावा कुवैत देश में बहुत से ऐसे दर्शनीय स्थल भी हैं जो कि आप देख सकते हैं, और उन दर्शनीय स्थलों को देखने के लिए देश विदेश और दुनिया के हजारों लाखों लोग आते हैं। इसमें देखने के लिए बहुत ही अच्छी चीजें हैं, जैसे कि लिबरेशन टावर, कुवैत टावर, नेशनल म्यूजियम, फैलाका द्वीप, एंटरटेनमेंट सिटी, साइंस एंड नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम, लिबरेशन स्मारक, साइंटिफिक सेंटर, तारिक रजाब म्यूजियम, बयात अल बदीर, जूलॉजिकल पार्क, संगीतमय फव्वारा आदि यहां के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। ये थे कुवैत देश के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। अब आपको इस वीडियो को 5 लोगों में शेयर करना है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।